अब इस वीडियो में हमें देखना है रेखीय दोष। रेखीय दोष में क्या है कि ये लाइन डिफेक्ट कहते हैं इंग्लिश में इसे। एक क्रिस्टलीय पदार्थ जालक बिंदुओं के पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं और विचलन होना रेखीय दोष कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? रेखीय दोष। ठीक है, रेखीय दोष। अब इसके बाद आता है क्रिस्टल दोष का वर्गीकरण। क्रिस्टल दोष का वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की, जो अवयवी कण होते हैं उनमें आठ कोणों पर होते हैं, अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था, एक निश्चित व्यवस्था होती है तथा एक व्यवस्था एक दीर्घ परास तक बनी रहती है। तथा वह यह अवस्था कहाँ तक बनी रहती है? एक दीर्घ परास तक, लंबी परास तक बनी रहती है। उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले अंतराणविक बल के आधार पर चार भागों में बांटा विभाजित किया गया है। तो चार भागों में अंतराणविक बल के आधार पर इन्हें चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है आणविक ठोस। पहला क्या है? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और संयोजक ठोस। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस में क्या लिखा है? ये कहता है कि किसी भी ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। यदि अवयवी कण क्या हो? अणु हो, तो आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस में अणु आपस में एक दुर्लभ बल जैसे कि वांडरवाल फोर्स द्वारा जुड़े रहते हैं। तो वांडरवाल फोर्स द्वारा एक दुर्बल बल होता है, इसके द्वारा आणविक ठोस में अणु आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन। आणविक ठोसों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। वे आणविक ठोस जिनके अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इन ठोसों में द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? यहाँ पर शून्य होता है। इनके अणुओं के मध्य दुर्बल बल वांडरवाल फोर्स पाया जाता है। एक तो दुर्बल बल पाया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अध्रुवीय आणविक ठोसों के निम्न गुण होते हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोसों के गुण क्या क्या हैं ये देख लीजिए। ये बहुत ही मुलायम होते हैं। पहला हो गया, ये बहुत ही मुलायम होते हैं। इन ठोसों में विद्युत का चालन नहीं होता है, विद्युत का चालन इसमें नहीं होगा। अचार तेज कुचालक होते हैं विद्युत के। गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है और सामान्य ताप पर ये ठोस द्रव अवस्था में होते हैं। कैसे अवस्था में होते हैं? ये द्रव अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में रहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, क्लोरीन, आयोडीन ये द्रव या गैसीय अवस्था में सामान्य ताप पर रहते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। वे आणविक ठोस जिनमें अणु मजबूत द्विध्रुव बलों द्वारा बंधे रहते हैं। अब इसमें मजबूत द्विध्रुव बल हैं जिन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इन ठोसों में पाए जाने वाले अणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें कैसे होते हैं? अलग अलग प्रकार के, जबकि पहले वाले में कैसे थे? एक ही प्रकार के। लक्षण क्या है? ये ठोस मुलायम होते हैं, ठीक है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी कुचालक होते हैं साहब। ध्रुवीय आणविक ठोसों का गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। इनका क्वथनांक भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि। अब आता है तीसरा, हाइड्रोजन आबंधित
आणविक ठोस, वे आणविक ठोस जिनमें जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठोसों में अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। हाइड्रोजन आणविक आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। ये गुण निम्न प्रकार हैं। किस प्रकार के हैं? पहला गुण क्या है? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक ध्रुवीय और अध्रुवीय आणविक ठोसों के अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इनका तो और भी ज़्यादा अधिक होता है, गलनांक भी और क्वथनांक भी। ये ठोस भी ध्रुव के कुचालक, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, उदाहरण है बर्फ, पानी, बर्फ इनका उदाहरण है। आयनिक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं। इनमें क्या है? अवयवी कण आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोसों में अवयवी कण धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि आयन तभी बनेंगे जब ऋणात्मक धनात्मक होंगे। तो उदाहरण इसमें क्या विशेषता? ये कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, कठोर होते हैं। जब मारेंगे हथौड़े से तो तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, अर्थात भंगुर होते हैं। इन ठोसों का गलनांक उच्च होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठोस अवस्था में विद्युत के अच्छे कुचालक नहीं होते। जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते, द्रव अवस्था में ये विद्युत के अच्छे चालक हो जाते हैं। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाते हैं और विलयशील होते हैं। तो आयनिक ठोस किस में घुल जाते हैं? विलायक में, सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद आता है धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। ये क्रिस्टलीय ठोस जिनमें वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण धात्विक परमाणु ये और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धात्विक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक अवयवी कणों के मध्य बहुत अधिक मजबूत धात्विक बंध पाए जाते हैं, लगे होते हैं। पहला है गुण, धात्विक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, बहुत ज़्यादा होता है इनका। बहुत विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, दोनों चालक अच्छे होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाएंगे? अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये ठोस बहुत अधिक आघात बढ़नीयता और तन्यता के गुण दर्शाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आघात बढ़नीयता और तन्यता के गुण, तन्यता मतलब तार खींचे जा सकते हैं। इनका उपयोग चादर बनाने में, तार खींचने में होता है। जिंक सोना, उदाहरण क्या होगा? जिंक और सोना। अगला आता है संयोजक ठोस, वे ठोस जिनमें समान प्रकार के परमाणु तथा भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर सह संयोजक नेटवर्क बनाते हैं। तो समान प्रकार के परमाणु भी और भिन्न प्रकार के परमाणु भी आपस में जुड़कर सह संयोजक नेटवर्क बनाते हैं। इस प्रकार बने ठोस को हम सह संयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ये ठोस बहुत कठोर होते हैं, गलनांक बहुत अधिक होता है। संयोजक ठोस और विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। इनमें ग्रेफाइट अपवाद है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलका, इनमें ग्रेफाइट अपवाद है। कि और ठोस के विद्युत चालक में अद्भुत विविधता पाई जाती है। विद्युत चालकता की यह विविधता 27 कोटियों में फैला होता है। इनका परिणाम परिमाणु का परास 10 की घात 20 ओमेगा माइनस, ओमेगा की घात -1 और एम मीटर की घात -1, मतलब 10 की घात -20 इनवर्स ओमेगा और इनवर्स मीटर से लेकर 10 की घात -3 ओमेगा इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। ये चालकता की विविधता के गुणों के आधार पर ठोस को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है चालक, कंडक्टर, वे ठोस जिनमें
विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है चालक कहलाते हैं। चालकता का परास 10^4 ओमेगा इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10^7 ओमेगा इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। धातुओं का चालकता की कोटि 10^7 ओमेगा इनवर्स मीटर इनवर्स होती है और ये उच्चतम चालक होती है। लोहा और कॉपर कुचालक वे ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है कुचालक कहलाते हैं। इनमें इनकी चालकता 10^-6 से -6 ओमेगा 1 ओमेगा इनवर्स और मीटर इनवर्स से ओमेगा की 10^-4 ओमेगा इनवर्स मीटर इनवर्स के परास के मध्य होती है जैसे कि लकड़ी। अर्ध चालक सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है किंतु थोड़ा ताप बढ़ाने पर विद्युत धारा का सुगमता से काम हो जाता है सुगमता से इसका प्रभाव हो जाता है। ऐसे ठोस अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता 10^-6 ओमेगा 1 मीटर ओमेगा इनवर्स मीटर इनवर्स से और 10^-4 ओमेगा इनवर्स मीटर इनवर्स के परास के मध्य होती है। अर्धचालकों में संयोजन बैंड और चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है जिसके कारण कुछ चालक इस कम अंतराल के कारण बैंड लांग सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं। अधिक यह है रिक्त पैड और यह विद्युत ऊर्जा का स्तर। कारण है सिलिकॉन जर्मेनियम। अब देख लें चुंबकीय गुण। सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण होता है। पदार्थों में चुंबकीय गुण उसमें वर्तमान इलेक्ट्रॉन के घूर्णन गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा तो दो गति होती है। पहली गति तो होती है कि नाभिक के चारों ओर कक्षा में गति करें। दूसरी क्या होती है? उसका अपने अक्ष पर चारों ओर गति करना। एक तो अपने अक्ष के चारों ओर चुंबकीय आघूर्ण कैसे बनता है? अपने अक्ष के चारों ओर गति करना और नाभिक के चारों ओर गति करना। तो इस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण बनता है। इलेक्ट्रॉन के इस चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटॉन म्यू बीटा कहते हैं कहा जाता है। बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। मैग्नेटॉन म्यू बीटा बराबर 9.227 × 10^-24 A m² होता है। पदार्थों को इनके चुंबकीय गुण के आधार पर पांच भागों में बांटा गया है। पहला है अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। एक तथा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकत्व का कारण होता है। एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकत्व का कारण होता है। जो एक या अधिक अयुग्मित हो, युग्म ना हो, या तो इस तरह का बना हुआ हो खाने में ऑर्बिट में, या इस ऑर्बिट में कैसा हो, इस तरह का बना हुआ हो, सिंगल हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ऑक्सीजन, कॉपर आयन, फेरिक आयन और क्रोमियम आयन इसके उदाहरण हो गए। प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित विकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है। वाटर, सोडियम क्लोराइड और C6H6 लोह तत्व। लोह चुंबकत्व ऐसे पदार्थ जो अत्यधिक प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं लोह चुंबकत्व कहलाते हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड। प्रतिलोह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे कि MnO, मैग्नीज ऑक्साइड में डोमेन संरचना लोह चुंबकीय पदार्थ के
समान ही होती है, परंतु इनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। फेरी चुंबक या फेरो चुंबक इसे कहते हैं। जब पदार्थ में डोमेन चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समानांतर और प्रति समानांतर समानांतर हो या प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है तो पदार्थ में फेरी चुंबक देखा जाता है, जैसे कि मैग्नेटाइट, फेराइट। फेराइट का सूत्र क्या है? Mg Fe2O4O41, ZnFe2O4। ठीक है, इस प्रकार केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। मेरी वीडियो को लाइक करें, रेड से लिखूँ दिखाई नहीं देगा आप बच्चों को, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें।